हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मैं आपको ट्यूटोरियल भेजती हूँ उसको ध्यान से सुना करें। आज मैं आपको बताती हूँ कि आगे आप क्या करेंगे। आप फिर से आ जाएं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कैसे आएंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, कैसे आना है स्केप करते हुए, टैप करते हुए। लेकिन अगर चूज़ एन अकाउंट्स का ऑप्शन आता है, उसमें चूज़ एन अदर अकाउंट पे पहले एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद स्केप और टैप से क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाएंगे। फिर वहाँ पर आप पर्सनल या बिजनेस में से एक सिलेक्ट करेंगे, वहाँ एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे फर्स्ट नेम मांगेगा, टैप टैप से आप अपना आगे बढ़ते जाएंगे, टैप से लास्ट नेम, फिर टैप से यूज़र नेम जो आपको बताया कि डिफरेंट रखिएगा। फिर वहाँ पर टैप से ऑप्शंस भी दिखाएगा आपको गूगल के, अगर आपको इनमें से लेना है तो ले लें। टैप से फिर पासवर्ड पे, टैप से कंफर्म पासवर्ड पे, टैप से शो पासवर्ड पे, टैप से नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन पे एंटर करेंगे। फिर आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट बटन पे एंटर करेंगे तो आपको फ़ोन नंबर मांगेगा, वो नंबर आप डाल दें। और फिर टैप से ईमेल आईडी मांगेगा, कोई ईमेल आईडी रिकवरी के लिए। या तो आप दोनों डाल सकते हैं या फिर दोनों में से एक डाल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी डाल दें, फ़ोन ना डालें। ये भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल दें, ईमेल आईडी ना डालें। तो कुछ भी कर लें। फिर टैप से अगर फ़ोन नंबर डाला है, तो मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, तो टैप से हमने क्या किया है कि मंथ हमने ले लिया है कौन सा। जैसे टैप किया, मंथ मंथ आया, मंथ ले लिया। फिर टैप से डेट हमने लिख दी, फिर टैप से हमने ईयर आया, ईयर हमने, अगर हमारा जो है यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स आ रहा है तो हम ले लें, चेक मतलब देख लें, नहीं तो हम लिख सकते हैं अपना ईयर, किस साल में हम, किस ईयर में हम बॉर्न हुए, पैदा हुए। फिर टैप से हम जेंडर, जेंडर देखेंगे कौन सा, फीमेल या मेल, ठीक है, जो भी हमें हमारा है। और टैप से अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई, फिर टैप से सेंड बटन, तो सेंड बटन पे एंटर किया हमने। सेंड बटन पे एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो हमारा अगर फ़ोन डाला है नंबर, उस पे हमारे पे एक एसएमएस आया होगा। ये पूछता है, कल सब मैंने बताया था कि कॉल या एसएमएस दोनों में से किसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन कोड लेना है। तो जैसे ही वो कोड आएगा, तो जैसे आपने सेंड बटन किया है, वहीं पे एक बॉक्स आने लगेगा। आप भी, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप डाउन एरो से या वहीं पे देखेंगे, आपको कोड लिखने को बोलेगा, ओटीपी, जो ओटीपी आया है ओटीपी लिखें। फिर टैप से आएगा वेरीफाई बटन, टैप से वेरीफाई बटन पे एंटर करें, क्या करेंगे, टैप से वेरीफाई बटन। और फिर टैप से वेरीफाई बटन करने के बाद फिर दो बस 10-20 सेकंड वेट करें। फिर टैप से क्या करेंगे कि गूगल की जो जो गूगल, अगर पहले यस का ऑप्शन आता है तो यस पे एंटर कर देंगे टैप टैप से, और फिर नहीं, फिर नेक्स्ट का आता है तो नेक्स्ट पे एंटर करेंगे, और टैप टैप से आई एग्री पे एंटर करना है। किस पे, आई एग्री पे एंटर करेंगे, आई एग्री पे एंटर करेंगे और थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्या रुक जाएंगे अब यहाँ पर। फिर ठीक है, फिर आप यहाँ पर रुक जाएंगे। फिर उसके बाद टैप टैप से आप जब यहाँ रुक गए, फिर आप टैप टैप से सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। आपको कुछ पूछ तो नहीं रहा है, नहीं पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको अपना ईमेल आईडी याद रखना है। आप क्या करेंगे कि अगर फिनिश बटन आप आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ऑल टैप फोर करें और फिर अगेन जीमेल में आ जाएं, और आपका ईमेल आईडी जो आपने खोला है, मतलब अभी बनाया था, वो खुला हुआ होगा। यहाँ पर एंटर करेंगे ईमेल आईडी में अपने, अगर पास, क्योंकि अभी पासवर्ड डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि अभी हम सिर्फ ऑल टैप फोर से करके चले गए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले HTML पे एंटर करेंगे, और अगर हमें फिनिश का बटन यहाँ मिलता है तो हम यहाँ ही, नहीं तो अगर आता है तो एंटर कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इनबॉक्स बेसिक बटन HTML पे एंटर करते इनबॉक्स आएगा, इनबॉक्स वैसे तो जब हमने आई एग्री बटन पे एंटर किया था, जब हमने वेट किया तो टैप, फिर वहाँ पे इनबॉक्स ही आता है, इनबॉक्स पे एंटर कर देते हैं, पूछता है तो फिनिश बटन पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप ऑल्ट F4 कर दें अगेन, जब ईमेल आईडी खोलेंगे तो वो खुली हुई होगी। HTML बेसिक बटन HTML पर आप पहले एंटर करें, फिर पहला ईमेल आप एक्स और डाउन एरो से चेक करें, गूगल कम्युनिटी टीम का मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखना है। सेटिंग्स बटन आएगा यहाँ पर, सेटिंग्स बटन में कुछ मत कीजिए, बस बेसिक बटन HTML को, सेटिंग्स को, अगर वहाँ वहीं पे भी फिनिश बटन मिल सकता है आपको तो फिनिश बटन अगर आता है तो उस पर एंटर कर दें, ठीक है, या क्लोज सेटिंग या फिनिश बटन। तो यहाँ पर आप पहला ईमेल मिलेगा, उस ईमेल को पढ़ लें आप,
और फिर बिल्कुल जैसा मैंने आपको ईमेल अकाउंट के बारे में बताया है सारी चीज़ें वैसी होंगी, क्योंकि आपका ईमेल अकाउंट जो आपका जीमेल अकाउंट है, आपकी ईमेल आईडी है, वो बन के तैयार हो चुकी है। इसका रिवीजन करवाना पड़ेगा मुझे आपको, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं 2-3-4 अकाउंट बना के दिखाऊंगी आपको, 2-3-4 अकाउंट और दिखाऊंगी अगले मंडे को। हम अगेन एक गौतम के नाम से एक फिर से बताऊंगी, अगर मान लीजिए किसी गौतम नाम के बंदे का अकाउंट बना रहे हैं तो उस गौतम नाम के बंदे का आप ईमेल आईडी, उसका जीमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सो कि आपकी सारी बात अब क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।